होगी मुलजिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। एहतसाब अदालत में 11 अरब रुपए के फ्रॉड केस पर समाअत आज होगी। फ्रॉड केस में मुलव्वस 33 मुलजिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमान पर MNM मोटर्स के नाम से कंपनी खोलकर लोगों को लूटने का इल्जाम है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में फर्नेस ऑयल चोरी करने के केस पर समाअत आज होगी। मुलजिमान पर 190 मिलियन से ज्यादा की करप्शन के इल्जाम हैं। मुलजिमान ने सैकड़ों ऑयल टैंकर्स गायब किए। बीवी पर तशद्दुद करने का इल्जाम। अदाकार मोहसिन अब्बास की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। मोहसिन अब्बास पर बीवी फातिमा पर तशद्दुद करने का इल्जाम है। अदालत ने थाना डिफेंस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। महकमा हायर एजुकेशन का कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए नोटिफिकेशन जारी। आज तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीर के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। फैसले का मकसद कश्मीरी आवाम से वासा की गफलत, शहरी की भेसी, 5 साल बच्चे की जान ले गई। शेराकोट में खुले मैनहोल ने 3 बहनों का इकलौता भाई छीन लिया। अलखयाम रोड पर 5 साल रेहान 30 फीट गहरे गटर में गिरकर जाम भाग। लाश 6.5 घंटे के बाद गुलशन रावी वासा पंपिंग स्टेशन से मिली। नागहनी आफत पर लवाहिकीन गम से निढाल। इलाके में शोक की फजा बरकरार। हर रंग का अखबार। अहले खाना का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। खुले मैनहोल मौत के कुएं बन गए। वाकया तनूर मालिक मुस्तफा की गफलत से पेश आया। मुस्तफा ने गटर का ढक्कन उठाया और एक साइड पर रखा। फुटेज मंजरेआम पर आ गई। लाहौर न्यूज ने मामला उठाया तो इंतजामिया भी जाग गई। डीओ गुलशन रावी मोहम्मद साकिब, सब इंजीनियर और सुपरवाइजर मुअत्तल। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। उस्मान बाबर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। SDO वासा की मुदियत में थाना शेराकोट में इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी। मुल्जिम हवालात में बंद है। MD वासा की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। UC 255 कॉलेज रोड अहमदनगर मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज और बारिश का पानी गलियों में दाखिल। इलाका मकीनों का घरों से बाहर निकलना मुहाल। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुलाकात। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी मोहम्मद सरवर बोले, अवाम तहरीक इंसाफ और हुकूमत के साथ हैं। वजीर आजम की क्यादत में नए पाकिस्तान का वादा पूरा करेंगे। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। पुलिस के शहदा को सलाम। फर्ज की अदायगी में जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत। शहर भर में यौम शहदा पुलिस की तकारीब का अहतमाम। पुलिस अफसरान की शहदा की कब्रों पर हाजिरी। फातेखानी, फूलों की चादरें भी चढ़ाईं। दो सगे भाइयों का फर्ज की अदायगी में जानों का नजराना। अरफा क्रीम टावर धमाके में शहीद दो सगे भाइयों के माँ बाप को अपने बेटों की शहादत पर नाज। शहीद कभी मरते नहीं, मेरे दोनों बेटे जिंदा हैं, मुझे इनकी शहादत पर फख्र है। शहीद अली रजा और गुलाम मुर्तजा के वालिदैन बेटों की याद में आप दीदा। बेटे बहुत अच्छे नमाजी सन, पंजे वक्त दे नमाजी सन। गुलाम मुर्तजा जरा सी ओ 7 वरां तक आप बैठा सी। साडे बच्चे सानू नहीं मिल सकते, ओ की करनिया चीजा हो जियां की करनी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। CTO लियाकत अली मलिक की कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। हम अपने शहादा को नहीं भूले। शहीद कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। बुजदिलाना कार्रवाइयाँ हमारे शेर जवानों के हौसले पस्त ना कर सकें। CTO, शहादा पुलिस और कौम का सरमाया है। मुझे अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। अहमद मुबीन शहीद की वालिदा की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। बेटे जिन्होंने जाने कुर्बान की हैं मुल्क कौम के लिए, ये बड़ा एजाज़ होता है इंसान को जब शहीद हो जाता है। माएँ हैं, औलाद है हमारी, मेरा तो बेटा भी एक ही था। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ जो किया अपने मुल्क के लिए किया, उसको खुदा ने बहुत बड़ा एजाज़ दिया, उसका शुक्र है। और हमारे साथ जिस तरह तआवुन हुकूमत ने किया,
ہم اس کے بھی شکر گزار پولیس کے جوان شہریوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے شہدہ کی فیملیز کا وارث ہوں اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بھولیں گے ہمیں اپنی کارکردگی کو بہتر بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے آئی جی پنجاب عارف نواز کا تقریب سے خطاب پولیس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الحمرہ میں مرکزی تقریب صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد ہاشم ڈوگر چیف سیکرٹری سی سی پی او سی ٹی او کیپٹن احمد مبین شہید کی والدہ کی بھی شرکت چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ وسائل بہتر ہوتے ہی شہدہ پیکج میں بہتری ہوگی مل کر اندرونی بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا ہے بھارتی فورسز نے کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی ہندوستان نے کوئی جارحیت کی تو قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی پاکستان سمیت امن پسند ممالک خاموش نہیں رہ سکتے پاکستان متحدہ علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس خشک دودھ کی بڑی کھیپ لاہور سمگل کرنے کی کوشش ناکام کسٹمز اینٹی سمگلنگ حکام کی ملتان روڈ پر کارروائی ٹرک سے 1 کروڑ روپے مالیت کے خشک دودھ کے پیکٹ برآمد خشک دودھ ایران سے براستہ کوئٹہ لاہور لایا جا رہا تھا ہیپاٹائٹس سے آگاہی اور جدید علاج معالجہ پی کے ایل آئی کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل میں سیمینار فیملی فزیشنز کے ڈاکٹرز کی کثیر تعداد میں شرکت جگر کی بیماریوں سے متعلق شرکا کو آگاہی دی شاہپور کانجرہ منڈی میں سلطان کے چرچے خوبصورت بیل قد 6.5 فٹ وزن 20 من رنگ کالا چال نرالی بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے قیمت صرف 20 لاکھ ہے مالک کی کھلی آفر 24 ستاروں کو بھی من پسند جانوروں کی تلاش اداکارہ لکی علی اور ماڈل پیری بٹ کو بکرے پسند گلوکارہ میگا نے سلطان نامی بیل خرید لیا ریلوے برڈ ہال میں سجا جشن آزادی ڈریم کپ کراٹے فیسٹیول 300 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑیوں کی شرکت ننھے بچوں نے بھی مارشل آرٹس کے خوب جوہر دکھائے اور پلاک میں فیشن شو اور فلم بے پناہ عشق کی تعارفی تقریب فلم کی کاسٹ آرٹ اور کلچر سے تعلق رکھنے والے نوجوان گلوکاروں کی شرکت فنکاروں کی شاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل موہ لیے